देखिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे बोला जाता है वर्ग माध्यमान इन प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इसमें बोला जाता है, या इसमें ऐसा बोला जाता है प्रूव करने को कि प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस एंड आई नॉट, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई आर एम एस से, और इस आई आर एम एस को और आई नॉट में मुझे रिलेशन डिराइव करना होता है, और जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो या तो हमें डायरेक्ट बोला जाएगा कि प्रूव दैट आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से आता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड द पिक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर इस तरह से आ जाए कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस वैल्यू एंड आई नॉट, या आ रहा है हमसे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों यहाँ पर जो आई आर एम एस होता है इसे बुलाता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसे बोलेंगे आप क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जबकि ये आई नोट जो होता है इसे बुलाता है पिक वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ करंट। जो आई आर एम एस होता है इसे बुलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जबकि ये आई नॉट होता है इसे बुलाता है पिक वैल्यू ऑफ करंट। इसे कई लोग या इसे यूं भी कहता है, इसे स्क्वायर मीन रूट वैल्यू भी कहता है, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, या इसे कहूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऐसे एक्सैक्ट तो यही होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पर कई बार बोलने में ऐसा आता है स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। तो यहाँ पर आई आर एम एस जो होगा इसे बुलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो ये आई नॉट जो होता है इसे बुलाता है पिक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है, रिलेशन निकालना होता है। जैसे हमने अभी देखा था एवरेज करंट का फॉर्मूला, कि एवरेज करंट में जो था करते थे हम आई का, वो भी जीरो से टी में और अपॉन में टी होता था, वैसे ही जो आई स्क्वायर आर एम एस होता है, ये जो आई आर एम एस होता है उसका फॉर्म स्क्वायर के टर्म में होता है। फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी और अपॉन टी बनेगा, कि भाई इसमें जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो किया जाता है आई स्क्वायर का, और जब आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से टी में, वो भी स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में, वैल्यू आती है जो आती है वो आई आई स्क्वायर आर एम एस की। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले तो हम लगाएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आई होता है उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट और साथ में ओमेगा टी, एंड जो आई स्क्वायर आर एम एस है उसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टी साथ ही आई स्क्वायर डी टी और अपॉन टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ रखें तो यहाँ आई स्क्वायर और ये आर एम एस को बिल्कुल सेम, यहाँ जीरो से टी को सेम रखा, यहाँ आई तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जबकि यहाँ इसका स्क्वायर बना और पूरे के अपॉन में कितना टी आ रहा है, देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है कि भाई इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टी का, वो भी किसका आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी का, जो आई आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई नॉट साइन ओमेगा टी है और उसका स्क्वायर होगा, जबकि डिनोमीटर में टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ अगर सॉल्व करें, यहाँ आई स्क्वायर को बिल्कुल सेम रखा और इस आर एम एस को सेम रखें, यहाँ हो जाएगा जीरो से बना टी, यहाँ आई का स्क्वायर है या आई नॉट का स्क्वायर है साथ ही साइन का भी स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, जबकि यहाँ साइन स्क्वायर और ओमेगा टी, जबकि डिनोमीटर में कितना टी बना और बाहर डी टी चल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर सॉल्व करें, यहाँ आई स्क्वायर तो बिल्कुल सेम रहा और इस आर एम एस को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ से ये आई नॉट का स्क्वायर और अपॉन टी को बाहर कर लें, यहाँ बचेगा जीरो से टी और ये बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में डी टी आ रहा है, देख लो ऐसे ही बन रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी जो है वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसे हमने बाहर कर लिया, यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा जीरो से टी और बना कौन साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब दोस्तों ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है
यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, बायो वाले स्टूडेंट जो है वो फिर से हैरान परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार फॉर्मूले मैथमेटिक्स के यूज होंगे। एक फॉर्मूला आता है 1 cos 2θ का, तो पहले आपको थीटा के फॉर्म में बता दूं कि 1 cos 2θ का फॉर्मूला होता है जिसे बुलाता है 2 square o θ, कि भाई 1 cos 2θ जो होता है वो एक फॉर्मूला बनता है जिसे बुलाता है 2 sin² θ। यहाँ पर अगर 2θ आ रहा है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है किसका, थीटा का होता है। जैसे अगर मैं मान के चले कि अगर ऐसा होता 1 cos 4θ होता, 1 cos 4θ होता तो इसका फॉर्मूला बनता 2 sin² और साथ में कितना 2θ बन जाता। तो देखिए ना, 1 cos अगर 2θ दे रखा है, 1 cos 2θ दे रखा है, तो यहाँ पे आता है थीटा, तो जो 1 cos 2θ होता है उसका फॉर्मूला बनता है 2 sin² θ। और अगर ऐसा हो जाए कि 1 cos 4θ आ रहा है, तो अगर 1 cos 4θ आ रहा है तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 sin² और साथ में 2θ बनेगा। वैसे ही लाइकवाइज अगर मान लूँ ऐसा कि यहाँ पर 1 cos 6θ आ रहा है, तो 1 cos 6θ आ रहा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 sin² और साथ में कितना 3θ हो जाएगा। देख लीजिए कि अगर 2θ है तो यहाँ पे आ रहा है कितना थीटा, अगर यहाँ 4θ है तो यहाँ पे आ रहा है कितना 2θ, और अगर यहाँ पर 6θ दिया है तो 6θ दिया है तो उसका जो हाफ एंगल बनेगा वो वहां पर 3θ बन जाएगा। दोस्तों मुझे जो लाना है वो मुझे कुछ इस तरह सॉल्व करना होगा कि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1 cos 2ωt का, क्योंकि मुझे थीटा से काम नहीं है, मुझे लेना है ओमेगा टी लेना है। मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1 cos 2ωt का, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कुछ 2 sin² और ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि जो 2ωt था उसका अगर मैं हाफ बनूंगा तो वो कितना 2 sin² ωt आएगा। तो यहाँ पर ये 1 cos 2ωt हो जाए, इसका फॉर्मूला बनता है 2 sin² ωt, और अगर यहाँ से मैं sin² ωt की वैल्यू निकालूँ तो ये बनेगा 1 cos 2ωt और अपॉन 2 आ रहा है, जबकि यहाँ बना कितना sin² और ये ωt आ जाएगा। देख लीजिए, चेक करिए, इसी तरह का टर्म बन रहा है कि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका साइन, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका 1 cos 2ωt का, जो 1 cos 2ωt जो होता है इसका फॉर्मूला अप्लाई होता है और ये बनता है 2 sin² ωt। तो अगर मैं sin² ωt की वैल्यू निकालो, ये 2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब टी जो है इसके जब 2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो फॉर्मूला बनेगा 1 cos 2ωt अपॉन 2 आ जाएगा। अब दोस्तों इस sin² ωt की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लें और फिर इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना I² और ये RMS बना। अब दोस्तों यहाँ देखिए I₀² / t बनेगा, जबकि यहाँ 0 से t है, और इसकी अगर वैल्यू रखें 1 cos 2ωt / 2 आ रहा है और साथ में कितना dt आ गया। देख लीजिए, चेक करो कि हमने sin² ωt जो है उसकी वैल्यू हमने जो निकाली है 1 cos 2ωt / 2, उसे हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। यहाँ पुट करेंगे तो sin² ωt जो है उसकी वैल्यू 1 cos 2ωt / 2 आ रही है। अब यहाँ मुझे इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस 2 को हम यहाँ से बाहर करें, तो इस 2 को अगर बाहर करेंगे तो यहाँ रहा है I²RMS और यहाँ हो जाएगा I₀² / 2t बना, जबकि यहाँ 0 से बना t और ये 1 cos 2ωt / dt आ जाएगा। देख लीजिए, ऐसा ही कोई टर्म बन रहा है कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा टी के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो इस 2 को मैं यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, और जब 2 को बाहर करूंगा तो आएगा कितना I₀² / 2t और यहाँ 0 से t और 1 cos 2ωt बनेगा। अब दोस्तों यहाँ करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ इसका अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ देखिए I² को सेम रखा है, साथ ही हमने RMS को बिल्कुल सेम रखा। अब यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन, ये I₀² / 2t तो बिल्कुल सेम है, यहाँ इंटीग्रेशन करो तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये कितना
टी आएगा। भाई वन का इंटीग्रेशन करते हैं अगर एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना एक्स आता है, तो यहां पर वन का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो कितना टी आ जाएगा। वैसे ही अगर इस कॉस का इंटीग्रेशन करें, मैंने आपको अभी बताया था जब साइन का हमने इंटीग्रेशन करा था, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करा था आपने, तो आया था नेगेटिव कॉस ओमेगा टी, लेकिन टी के साथ में ओमेगा था तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा था, तो जो साइन ओमेगा टी था उसका जो इंटीग्रेशन करा था वो नेगेटिव कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि जो टी दे रखा है, टी दे रखा है उसके साथ में कितना ओमेगा है, तो उस ओमेगा को हमने डिनोमिनेटर में लिखा था। दोस्तों यहां पे अगर हम देखेंगे वन का इंटीग्रेशन तो हमने कितना टी कर दिया, जब हम कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जैसे साइन का इंटीग्रेशन कॉस था लेकिन नेगेटिव था, तो जो कॉस होता है उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन ही होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा कितना साइन और टू ओमेगा टी, लेकिन अपॉन में देखिए टी के साथ में कितना टू ओमेगा है, तो टू ओमेगा जो है वो पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसा कोई टर्म बन जाएगा। तो यहां देखिएगा कि वन का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, लेकिन कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी होगा और डिनोमिनेटर में टू ओमेगा आएगा। साथ ही इसकी जो लिमिट है वो यहां पर जीरो से टी आ रही है। अब यहां पर जैसे हम पुट करें, यहां पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस बना, यहां आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी बनेगा। अब यहां पर लिमिट पुट करें तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो आएगा टी माइनस साइन टू ओमेगा और यहां कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा बना। देख लीजिए यही टर्म बन रहा है कि पहले हम कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी रखेंगे तो यहां पर आएगा कितना कैपिटल टी बना और माइनस का साइन टू ओमेगा अपॉन टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा बना। वैसे ही माइनस ये रहा माइनस, अब रखेंगे हम लोअर लिमिट, तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर कितना जीरो आएगा, ये रहा जीरो माइनस का बना साइन टू ओमेगा, यहां जीरो और अपॉन में कितना टू ओमेगा आ रहा है। देख लीजिए चेक करिए ये टर्म बन रहा है कि एक बार हमने रखा है कैपिटल टी रखा है और एक बार हमने रखा है कितना जीरो, जब हम कैपिटल टी रखेंगे तो टी आएगा और यह साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा, फिर माइनस यहां रखेंगे जीरो तो दोनों जगह जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों यहां इसे हम सॉल्व करें, तो चलिए इसे हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां आई स्क्वायर को सेम रखा और इस आर एम एस को सेम रखें, यहां बचा कितना आई नॉट स्क्वायर और अपॉन में टू टी आएगा। अब देखिए यहां तो बचा कितना टी, ये टी को हमने सेम रखा, यहां बचा कितना साइन, तो यहां बचा टू लेकिन ओमेगा आ रहा है, तो इस ओमेगा को हम लिख लेते हैं कितना टू पाई अपॉन टी, इस ओमेगा को हम लिखेंगे अगर टू पाई अपॉन टी तो इंटू में टी चल रहा है, साथ ही डिनोमेटर का टू ओमेगा जो है वो तो बिल्कुल सेम रखिए, क्योंकि यहां पर अगर आप ओमेगा की वैल्यू रख भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। वैसे तो आप वैल्यू यहां पर रख भी सकते हैं, हमने सिर्फ यहां रखा है ओमेगा को टू पाई अपॉन टी, जबकि इसको सेम, क्योंकि यहां जीरो है ये जीरो सेम रहा, जबकि यहां जीरो का मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ये साइन जीरो और अपॉन में कितना टू ओमेगा आ रहा है। अब देखिए इस टी से ये टी तो कैंसल हुआ, यहां आई स्क्वायर और ये आर एम एस को बिल्कुल सेम रखा, जबकि यहां आई नॉट स्क्वायर और अपॉन टू टी बनेगा। अब देखिए ये टी तो बिल्कुल सेम रहा, इस टी को यहां टू से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना साइन फोर पाई अपॉन टू ओमेगा आएगा, जबकि ये जीरो और साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, ये पूरा कितना जीरो हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइन एन पाई होता है, जो साइन एन पाई होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी जीरो होती है, जो साइन एन पाई होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी जीरो होती है। यहाँ पर एन की वैल्यू फोर आ रही है, मतलब आपने यहाँ पर फोर पुट करा, जब यहाँ पुट करेंगे फोर तो साइन फोर पाई आ जाएगा, और जो साइन फोर पाई आ जाएगा तो साइन फोर पाई की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी जीरो होगी, होगी ना कि भाई साइन एन पाई जो है वो जीरो है, तो एन की वैल्यू आपने कितनी फोर पुट कर दी, जब फोर पुट कर दी है तो साइन फोर पाई आया, और साइन फोर पाई जो है वो भी कितना जीरो होगा, साइन फोर पाई अगर जीरो होगा तो यहां बचेगा आई स्क्वायर और यहां आर एम एस बनेगा, जबकि यहां आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी बना,
ये पूरा टर्म तो जीरो होगा और जीरो के अपन कुछ भी आ जाए तो जीरो ही रहता है। अब देखिए इस टी से ये टी कैंसिल, यहां आई स्क्वायर और यहां बचा कितना आर एम एस, यहां आई नॉट स्क्वायर और अपॉन टू बनेगा। अब यहां से स्क्वायर हटा देगा तो सामने लगेगा रूट, तो यहां आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू बना जो होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू आ जाएगा। इस तरह का टर्म बनेगा कि जो आई आर एम एस आ रहा है वो कितना आई नॉट अपॉन रूट टू आ रहा है, जो हमें प्रूव भी करना था। एक बार आप फिर समझिएगा, यहां से हमने क्या किया था कि हमने ओमेगा की वैल्यू रखी है टू पाई अपॉन टी, तो इस टी से ये टी तो कैंसिल हुआ, यहां बचेगा टी लेकिन ये बचा माइनस और टू टू जा कितना फोर पाई, तो साइन फोर पाई अपॉन टू ओमेगा, ये जीरो है साइन जीरो जीरो होता है तो ये कितना जीरो ही बना। अब यहां पर रखा है साइन फोर पाई, तो साइन फोर पाई की वैल्यू भी जीरो होगी क्योंकि एन की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में फोर पुट कर दी है और साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब यहां पर अगर रखेंगे जीरो तो ये पूरा टर्म जो है वो तो जीरो हो गया, यहां बचा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी और साथ में टी बनेगा। अब इस टी से इस टी को हमने कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया, यहां बचेगा आई स्क्वायर आर एम एस और यहां बचेगा कितना आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर लगेगा रूट, तो आई नॉट का स्क्वायर है तो ये तो आई नॉट हुआ लेकिन टू से जब रूट निकलेगा तो वो रूट टू ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो आई आर एम एस है, जो आई आर एम एस जो है वो हमेशा वन अपॉन रूट टू टाइम्स होता है किसका आई नॉट का होता है, मतलब कि द मीन स्क्वायर मीन रूट वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ इट्स पिक वैल्यू, या फिर जो पिक वैल्यू होती है वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की रूट टू टाइम्स होती है। तो अगर हम रूट टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बात होगी कि जो पिक वैल्यू ऑफ करंट होता है वो हमेशा रूट टू टाइम्स होता है द आर एम एस वैल्यू का, मतलब स्क्वायर या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का। तो दोस्तों ये हमने डेरिवेशन करा है आई आर एम एस और आई नॉट के बीच में रिलेशन, थोड़ा सा एक तुम्हें आपको प्रैक्टिस करना होगी तो आपको आज इजीली आ जाएगा और बाय वालों को थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना होगा।